बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमद् भागवत कथा दमोह जिले के कादीपुर में आयोजित की जा रही है और कादीपुर में आयोजित इसे भव्य श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए यहां पर प्रतिदिन ही हजारों और कुल मिलाकर लाखों लोग यहां पर जुटेंगे। इसके साथ ही यहां पर आयोजित होने वाले दरबार में भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे। कादीपुर में आयोजित होने वाली इस कथा के श्रवण के लिए भी लोगों की लंबी लाइन होगी और यहाँ पर व्यवस्थाओं को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया गया है और यहाँ पर विशेष रूप से श्री बागेश्वर सरकार के शिष्य मंडल के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर पहुँच करके व्यवस्थाओं को देखा गया है। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं और यहाँ पर किस तरह से यह आयोजन होगा, इसके विषय में हमें समिति के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। कल 24 तारीख कल से श्रीमद् भागवत कथा का महा आयोजन कार्यक्रम जो कानीपुर में हो रहा है, कल सुबह 7 बजे लक्ष्मण कुटी से कलश यात्रा अन्य जगह के गांव-गांव द्वारा होते हुए कानीपुर पहुंचेगी और 24 से ही शाम को 4 बजे संस्कार चैनल पर और बागेश्वर धाम चैनल पर और अन्य चैनल के माध्यम से अपन कथा श्रवण कर पाएंगे। 26 तारीख और 27 तारीख को दिव्य दरबार कथा स्थल पर ही सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। 25 तारीख को रात्रि 8 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान सीधा लाइव प्रसारण पर बात करेंगे बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से और 1 तारीख को महाप्रसाद भंडारा होगा कथा के विश्राम दिवस के बाद। तो आप सभी कानीपुर, दमोह जिले, हटा जिले, आसपास के क्षेत्रवासी सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी बधाई है, आप सभी आमंत्रित हैं कथा में और देव दरबार में। पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार हम सभी इस वक्त बधा रहे हैं। ये क्षेत्रवासी के लिए, हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका आगमन हो रहा है और उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर। कल 24 तारीख से कादीपुर धाम में बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से साप्ताहिक भागवत गीता का आयोजन हो रहा है। समस्त धर्म प्रेमी पधारकर धर्म लाभ अर्जित करें। साधु।